नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर और मेरी YouTube फैमिली को मेरा सादर प्रणाम। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दिग्गज एक्टर अपनी फिल्मों के चलते भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए। उन्हें यह नाम देशभक्ति से भरी फिल्में बनाने की वजह से मिला। लोग उन्हें शहीद, उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों की वजह से याद करते हैं। वे सिनेमा को लेकर इतनी जुनूनी रहे कि जब निर्माता ने उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से मना कर दिया, तो उन्होंने अपनी जमीन घर बेचकर ऐसी फिल्म बनाई जिसने उस दौर में शोले का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिल्म 96 दिनों तक सिनेमा घरों में हाउसफुल रही थी। एक्टर हिंदी सिनेमा की नायाब शख्सियत हैं, जिन्होंने एक्टिंग के अलावा फिल्म निर्देशन, स्क्रिप्ट लेखन और एडिटिंग भी की थी। 60 से 80 के दशक तक उनका स्टारडम कायम रहा। हम दिग्गज एक्टर मनोज कुमार की बात कर रहे हैं, जिन्हें 1981 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। हाँ, क्रांति एक महत्वपूर्ण फिल्म थी जिसे मनोज कुमार ने निर्देशित किया था। फिल्म की आरंभिक चरण में फाइनेंस की तकलीफों का सामना करते हुए उन्हें अपनी जमीन और घर को बेचना पड़ा। यह उनके लिए एक मुश्किल निर्णय था, लेकिन इसने फिल्म की रचना में मजबूती और संकल्प को दर्शाया। फिल्म तब 3 करोड़ रुपए में बनी थी, लेकिन जब इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ तो फाइनेंसर और प्रोड्यूसर ने हाथ पीछे खींच लिए। मुसीबत में घिरे मनोज कुमार को कोई चारा नहीं मिला, तो उन्होंने मजबूरी में घर और ज़मीन बेच दी। मनोज कुमार ने दिल्ली के अपने बंगले के साथ ही नहीं, मुंबई के जुहू में उनकी मौजूदा ज़मीन भी बेच दी थी, जिस पर उन्हें सिनेमा हॉल खड़ा करना था। उन्होंने इस फिल्म में दिलीप कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बाबी के साथ मुख्य भूमिकाओं में थे। क्रांति ने मनोज कुमार करियर को न सिर्फ नई ऊंचाई दी, बल्कि दिलीप कुमार के करियर को भी सवार दिया था, जिन्होंने उस समय 5 सालों के बाद वापसी की थी। फिल्म ने रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। क्रांति 67 हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगातार चलती रही, जिसमें से 96 दिन तक हाउसफुल रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्रांति ने भारत में 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। क्रांति का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 16 करोड़ रुपए था, जबकि शोले ने उस समय 15 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म अपनी रिलीज के करीब 5 सालों तक भारत की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी रही। बाद में यह रिकॉर्ड डिस्को डांसर ने तोड़ दिया। गौरतलब है कि शोले जब दोबारा रिलीज हुई, इसने भी क्रांति के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय शुभ हो।